वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ यूनिट नंबर 4 एसिड एंड बेसिस जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है कि जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स आते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एंड प्रोडक्ट सॉल्ट होता है और वाटर प्लस हीट जो है वो रिलीज होती है। अब साल्ट क्या है? साल्ट एक जो है एंड प्रोडक्ट होता है जब एसिड और बेस को जो है हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त जो एंड प्रोडक्ट आता है। अब जो है इनका नेचर क्या होता है कि ये कैसे एसिडिक होते हैं या बेसिक, ये तीनों हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो इनका नेचर जो है वो तीनों किस्म का हो सकता है, एसिडिक भी, बेसिक भी प्लस न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कि जो हमारे डेली लाइफ में जो है न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ कहाँ होता है। तो पहला जो यूज़ है वो है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है कि जब हम कई बार जो है स्पाइसी खाना खा लेते हैं उस वक़्त क्या होता है कि हमारे स्टोमक में जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से हमारे स्टोमक में जो है वो एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम बेस का इस्तेमाल करते हैं और बेस जैसे हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एसिड्स का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो, या तो टेबलेट्स लेते हैं डाइजीन की जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है वो एसिड का जो है करेक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। तो हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फिर उसके बाद सॉल्ट वाटर और हीट जो है वो इवॉल्व होती है। उसके बाद अगला जो एप्लीकेशन है वो है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स जो है वो हमें काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी है, वैस्प है, एंट है, तो वो जब हमें काटती हैं तो उनके जो है स्टिंग में जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और उस वक्त जो है जब वो स्टिंग, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है बेकिंग सोडा जो हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको उस एरिया के ऊपर जो है हम रब करते हैं। आपने बहुत बार जो है देखा होगा, जो पहले टाइम में क्या होता है जब भी बी या वैस्प हमें काटती थी उसके ऊपर जो है वो लोहा जो है वो उसको रब करते थे। अभी भी गांवों में बहुत जगह होता है ऐसा कि उसके ऊपर जो है वो लोहा जो है रब करते हैं। असल में क्या होता है कि लोहे के ऊपर जो है वो उसकी लेयर के ऊपर जो है वो ऑक्साइड होता है, तो आयरन ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो वो रब करने से इसका करैक्टर जो है एसिड्स का, फॉर्मिक जो एसिड है उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमें जो है वो रिलीफ मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि सॉइल जो है, सॉइल में हम अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो सबसे स्टेबल जो सॉइल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वो है हमारे पास न्यूट्रल सॉइल में सबसे बेस्ट कल्टीवेशन होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉइल का जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उसका करेक्टर जो है वो हो जाता है एसिडिक, और एसिडिक होने के बाद जो है वो एसिडिक जब होता रहता है तो उसमें जो है वो बेस्ट जो है स्टेबल नहीं रहती है सॉइल कल्टीवेशन के लिए। तो फिर जो है फार्मर्स क्या ऐड करते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऐड करते हैं जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम वो ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि सॉइल का जो एसिडिक करेक्टर होता है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी अगर बेसिक हो, अगर उसका सॉइल का नेचर जो है बेसिक हो
तो बेसिक में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद जो है वो जो है फिर से वो न्यूट्रल हो जाती है, तो कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, तो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो दोनों किस्म का हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक होगा। अगर जो है इसको हम ऐसे ही सेम करेक्टर से अगर इसको हम जो है इसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देंगे, अगर हम डायरेक्ट जो है इसको इस सीवेज जो है यहाँ से निकलेगा इसको हम नदी नालों में जाने देंगे, और उससे क्या होगा कि ये जब वाटर बॉडीज के साथ जब मिक्स होगा, वाटर बॉडीज के साथ जब मिक्स होने के बाद जो है इसका जो है वाटर का करेक्टर जो है वो एसिडिक हो जाए, तो जो इक्वेटिक लाइफ है वो इससे इफेक्ट हो जाएगी और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो। तो जो भी सीवेज होता है या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए, और जो भी जो जब वेस्ट आगे चला जाए किसी भी चीज़ में के साथ मिक्स हो जाए या सॉइल में चला जाए तो उसका जो है वो नेचर इफेक्ट ना हो। तो ये हमारे पास जो है कुछ जो हमने इसका यूज़ पढ़े, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और उसके डेली लाइफ में हमारे पास क्या है इसके यूजेस हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो है वो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।